दोस्तों, किसी भी अदृश्य शक्तियां, अर्थात जो है तो पर दिखाई नहीं देती, जैसे भूत प्रेत की भटकती आत्माओं के बारे में ऐसी धारणा है कि वे बहुत ही खतरनाक होती हैं। लेकिन मान्यता ये भी है कि कुछ आत्माएं अच्छी तो कुछ बुरी प्रवृत्ति की होती हैं। किस्से कहानियों में पढ़ने या सुनने में आता है कि तंत्र मंत्र विद्या आत्माओं को वश में करके उनसे मनचाही इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। तो चलिए जाने आखिर आत्मा होती कैसी है और उनसे कैसे संपर्क साधा जा सकता है। कुछ मंदिरों दरगाहों में भी आत्माओं के होने के संकेत मिलते हैं। अदृश्य शक्तियों के बारे में कई शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, एक तो अच्छी और दूसरी बुरी। ये आत्माएं जिस किसी पर प्रसन्न हो जाए या उन्हें कोई अपने वश में कर ले तो वो उनका हर मनोकामना तत्काल पूरा कर देती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ तांत्रिक प्रयोग करके आत्माओं से संपर्क किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र काली विद्या से परांगत लोग जैसे सिद्ध योगी, अघोरी तांत्रिक आदि जो कठोर कठिन साधना करके ऐसा कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं। तंत्र के जानकार कहते हैं कि आत्माएं दो तरह की होती हैं और दो तरीके से उनसे संपर्क हो पाता है, एक तो विशेष मंत्रों की घोर साधना करके, या फिर कुछ आत्माएं स्वयं ही किसी मनुष्य से संपर्क कर ले। कुछ आत्माएं बहुत अच्छी होती हैं जो बिना कहे किसी नेक इंसान की मदद करती रहती है। वहीं बुरी आत्माओं को वश में करके उनसे अच्छे और बुरे कार्य करवाए जा सकते हैं। दोस्तों, यह आस्था और अंधविश्वास का मामला है, या महज मनोरंजन भी हो सकता है, या फिर प्रयोगकर्ता के लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। आत्माओं के बारे में कहते हैं, उसे बुलाना आसान है पर भेजना बेहद ही मुश्किल। इसलिए ये सारी क्रिया करने की आप कोशिश भी ना करें, वरना ये आपके या आपके परिवार के लिए घातक हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।